देखिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, शैवालों में संचित भोज्य पदार्थ, मतलब शैवालों के अंदर कौन कौन से स्टोर्ड फूड होते हैं। ठीक है, देखिए शैवालों में मुख्यतः या तो शर्कराएं पाई जाती हैं, बहु शर्करा या अलग अलग प्रकार की शर्करा, मल्टीपल शुगर्स, या फिर क्या देखने को मिलती है, फैट या ऑयल ड्रॉप्स। जैसे कुछ वर्ग में क्या क्या स्टोर्ड फूड होता है, जैसे देखिए क्लोरोफाइसी वर्ग के सदस्यों में क्या देखने को मिलता है आपको, भोज्य पदार्थ स्टार्च, और स्टार्च के भी दो फॉर्म, एमाइनोज और एमाइलोपेक्टिन। जबकि फियोफाइसी या भूरे शैवालों में मिलता है लैमिनेरिन, ये भी शर्करा का एक फॉर्म है। तो आपको याद करना ही छोटे छोटे क्वेश्चन बन के आते हैं कि इस शैवाल में या इस वर्ग के शैवाल में कौन सा पदार्थ भोज्य पदार्थ के रूप में संचित रहता है, तो नाम क्या आएगा, लैमिनेरिन। जैंथोफाइसी वर्ग के सदस्यों में मिलता है ल्यूकोसिन, रोडोफाइसी वर्ग के सदस्यों में पाया जाता है फ्लोरिडियन स्टार्च, जबकि साइनोफाइसी वर्ग के सदस्यों में क्या पाया जाता है, साइनोफाइसिन स्टार्च। साइनोफाइसी मतलब साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये कुछ स्टोर्ड फूड मटेरियल है जो अलग अलग प्रकार के शैवालों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन, शैवालों में कशाविकाएं। कशाविका को इंग्लिश में बोलते हैं अपन फ्लैजिला। ठीक है, कशाविकाएं, देखिए कशाविकाएं क्या होती है, कशाविकाएं होती है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। हेयर लाइक स्ट्रक्चर मतलब रोम के समान संरचना या बालों के समान बहुत पतली पतली बारीक संरचना। ठीक है, तो वो रोम समान संरचनाएं जो शैवालों को गति या मूवमेंट करने में क्या करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं, उन संरचनाओं को अपन क्या बोलते हैं, कशाविकाएं। और कशाविकाएं हमेशा कहां बनती हैं, ये मान लीजिए कोई कोशिका है तो कोशिका के अंदर मिलती है कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली में कुछ कण पाए जाते हैं, उन कणों को अपन बोलते हैं आधारी कण, ये बेसल ग्रेन्यूल्स या आधारीय कण। इन आधारीय कणों से किसका निर्माण होता है, कशाविका का, और किसके आधारीय कणों से, कोशिका झिल्ली के आधारीय कणों से। ठीक है, तो रोम समान संरचना जो गति करने में सहायता प्रदान करती है और कोशिका झिल्ली के आधारीय कणों से निर्मित होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, कशाविका। आगे बढ़ते हैं कशाविकाओं के प्रकार, कि किस प्रकार की कशाविकाएं होती हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्थिति के आधार पर या पोजीशन के आधार पर। देखिए स्थिति के आधार पर तीन प्रकार की कशाविकाएं होती हैं, अग्रस्त मतलब टर्मिनल, उप अग्रस्त, सब टर्मिनल, पार्श्व मतलब लेटरल। अग्रस्त मतलब वे कशाविकाएं जो किसी शैवाल की अग्रस्त सिरे पर, अग्रस्त सिरे पर या उसके अंतस्थ सिरे पर या उसके टर्मिनल एंड पर, बिल्कुल उसके ऊपरी सिरे पर, उसके अग्रस्त सिरे पर पाई जाती हैं। देखिए ये एक क्लेमाइडोमोनास है, ये क्लेमाइडोमोनास शैवाल है जिसके बिल्कुल एपिकल एंड या बिल्कुल अंतस्थ सिरे पर क्या पाई जाती है, फ्लैजिला। तो ऐसी कशाविकाओं को क्या बोलते हैं, अग्रस्त कशाविकाएं, किसमें मिलती है, क्लेमाइडोमोनास में। दूसरी आती है उपअग्रस्त, मतलब अग्रस्त वाला पार्ट नहीं, वे कशाविकाएं जो अग्रस्त वाले या टर्मिनल एंड से थोड़ा नीचे की तरफ मिलती है। देखो टर्मिनल एंड तो ये है, लेकिन टर्मिनल एंड के थोड़ा नीचे की तरफ ये कशाविकाएं पाई जाती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, उपग्रस्त कशाविकाएं, जो किसमें देखने को मिलती है आपको, उडोगोनियम में। ठीक है, और तीसरी आती है पार्श्व। पार्श्व का मतलब होता है वे कशाविकाएं जो किसी शैवाल के साइड में मतलब उसकी पार्श्व स्थिति में, वो ऊपरी सिरे पर नहीं, उसकी पार्श्व स्थिति पर पाई जाती है, लेटरल साइड पर, पार्श्व सिरे पर पाई जाती हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, पार्श्व कशाविकाएं, जो किसमें देखने को मिलती है, एक्टोकार्पस में। तो ये तो था स्थिति के आधार पर। देखिए दूसरी आती है संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर मतलब कितनी संख्या में ये शैवालों में मिलती है, उसके आधार पर चार प्रकार की होती है, एक कशाविकीय, द्वि कशाविकीय, चतु कशाविकीय और एक आपका बहु कशाविकीय। देखिए नाम से डिफाइन हो रहा है, एक कशाविकीय मतलब ऐसे शैवाल जिसमें केवल कितनी कशाविकाएं पाई जाती हैं, एक। एग्जांपल क्या है आपका, युगलीना। द्वि कशाविकीय मतलब ऐसे शैवाल
जिसमें दो या वो दो क्या पाई जाती है, कशाविकाएं पाई जाती है। एग्जाम्पल क्या आ गया आपका, वॉर्बॉक्स। तीसरा आता है चतु कशाविकी, मतलब ऐसे शैवाल जिसमें कितनी कशाविकाएं पाई जाती है, चार, उनको क्या बोलते हैं, चतु कशाविकी। एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। और बहु कशाविकी है मतलब ऐसे शैवाल जिसमें चार या चार से अधिक या असंख्य क्या पाई जाती है, कशाविकाएं पाई जाती हैं, उनको बोलते हैं बहु कशाविकी है। एग्जाम्पल क्या आता है आपका, उडोगोनियम। अभी अभी हमने देखा था उडोगोनियम में उप अंतस्थ प्रकार की भी कशाविकाएं मिलती हैं, जिसमें कि अंतस्थ सिरे पर ना होकर उसके नीचे की तरफ थी, लेकिन संख्या में बहुत सारी थी। ठीक है, तो युग्लीना, वॉलबॉक्स, यूनोथ्रिक्स और उडोगोनियम, ये आते हैं आपकी संख्या के आधार पर। तीसरा आता है कशाविकाओं के आमाप के आधार पर। आमाप मतलब होता है उसका साइज या आकार। तो आमाप के आधार पर भी दो प्रकार की कशाविकाएं होती हैं, सम कशाविकी और विषम कशाविकी। ऐसे शैवाल जिसमें पाई जाने वाली कशाविकाएं समान आकार की होती हैं, जैसे कोई भी कशा ले लीजिए आप, जैसे कि हमने ले लिया यूरोथ्रिक्स, यूरोथ्रिक्स वो वॉलबॉक्स, वॉलबॉक्स द्वि कशाविक था, उसमें दो कशाविकाएं थी। यदि दोनों कशाविकाएं क्या हो, आकार में बिल्कुल समान हो, बिल्कुल सेम हो, तो उनको क्या कहेंगे अपन, सम कशाविकी। और दूसरे आते हैं विषम कशाविकी है, मतलब ऐसे कशाविकाएं जो कि आकार में कैसी होती हैं, असमान होती हैं, उनको किसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया, विषम कशाविकाओं के अंतर्गत। ठीक है, तो ये कशाविका एक टॉपिक था आपका शैवालों में, कि शैवालों में रोम समान पाई जाने वाली संरचनाओं को कशाविका कहते हैं, जो गति करने में क्या करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं। तीन तरीके की होती हैं, या तो स्थिति के आधार पर, या संख्या के आधार पर, या तीसरा क्या होता है, उनके आमाप के आधार पर। तो ये थी शैवालों में कशाविकाएं।